वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई MNS aspirants एंड NEET aspirants. जो बच्चे 5 मई यानी कि इस संडे अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी कोई भी और टेंशन लिए बिना आपको सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है. बट सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहें, जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं उन बातों का ध्यान रखें, और जो चीजें हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं करनी है या नहीं ले जानी है हम उनका बहुत ध्यान रखें, ताकि लास्ट मिनट में कोई ऐसी कंफ्यूजन, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो जिससे माइंड परफेक्ट पड़े और कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो हमारे एग्जाम से शिफ्ट होकर के हमारे और चीजों पर चला जाए. तो आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए फॉर योर नीट 2024 एग्जामिनेशन. क्या ऐसा पहन के जाना है या नहीं जाना है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल करने वाली हूं कि क्या ऐसी चीजें आपको नहीं पहनकर जानी है जो आपको वहां एंट्री के दौरान हटानी होंगी, या और भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है स्पेशली फॉर द फीमेल एस्पिरेंट्स. तो फीमेल एस्पिरेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो इस बार इस संडे नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या डिटेल्स रहेंगी. पहले तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी. आप सभी के सामने कुछ पिक्चर्स डिस्प्लेड हैं, पहले आप इनको ध्यान से देख लें. आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स कि मैंने ये पिक्चर्स आपके लिए इसलिए स्पेशली लगाई थी यहाँ पर ताकि आप देख पाओ कि इस तरह से, यहाँ आप ध्यान से देखो ये पर्सन क्या कर रहे हैं. ये वहाँ पर एंट्री पे पिछली बार की नीट के एग्जाम्स की पिक्चर्स हैं, मैंने कुछ इंटरनेट से सोशल मीडिया से निकाली हैं ताकि आप ये देख सकें कि किस टाइप की चेकिंग होती है, किस लेवल की चेकिंग होती है नीट एग्जामिनेशन में. तो नीट एग्जाम में किस लेवल की चेकिंग चल रही है वो आप देख सकते हो कि इसने फुल स्लीव्स पहन रखी थी, तो स्ट्रिक्टनेस इस कदर की है कि इसको स्लीव्स कट करी जा रही हैं. ठीक है, जो वहाँ पर्सन है, इन्विजिलेटर है, एंट्री जो करवा रहे हैं वहाँ, वो चेकिंग के दौरान उसे कट कर रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे जिसको भी चेकिंग के दौरान हटाया जा रहा है, वो इस पेपर में उन्हें डिपॉजिट कर रही है. और आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से ये यहाँ पर चेकिंग चल रही है इस फीमेल एस्पिरेंट की. तो स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो फीमेल एस्पिरेंट्स के साथ ये सारी सिचुएशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, बिकॉज बॉयज़ के जो वेयरिंग सेंस होता है वो काफ़ी हद तक एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है. बट कहीं ना कहीं फीमेल्स होते हैं ना, वो हम लोग तो शौक होता है ना, शौक बड़ी चीज़ है. तो बट यहाँ पर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो शौक नहीं रखना है, अपने एग्जाम पर फोकस रखना है. और एक फोटो है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये इस लड़की ने एक गले में एक धागा पहन रखा है, नॉर्मल काला धागा जो शायद किसी ऐसी पहन लिया जाता है लोगों को किसी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मान्यता से पहना दिया जाता है. बट जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो वहाँ के रूल्स जो हैं वो आपके लिए भी इक्वल हैं, जो और बच्चों के लिए हैं रूल्स वही आप पे भी एप्लीकेबल होंगे. तो आपको करना क्या है, ये सब चीज़ें आप घर पर छोड़ के जाओ जिससे कि एंड मोमेंट पर चेकिंग के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप प्रॉपरली अपनी एंट्री ले पाओ. ठीक है, तो इस तरह के कोई भी सिनेरियो आपके साथ रिपीट ना हो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपका ड्रेस कोड नीट एग्जाम के लिए क्या रहना चाहिए. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्रॉस भी लगाया हुआ है और यहाँ पर एक ग्रीन टिक है. क्रॉस का मतलब है कि आपको वो आइटम्स अपने साथ कैरी नहीं करने, अपने आपको वो क्लॉथिंग बिल्कुल भी पुट ऑन नहीं करनी है और आपको इस तरह के ड्रेस कोड के साथ ही जाना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पहन के नहीं जाना होता है ताकि हमें पता चल सके कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले तो फुल स्लीव्स के कोई भी क्लोथ्स, चाहे वो टी शर्ट हो, शर्ट हो, टॉप हो या किसी और टाइप का टॉप वेयर हो, वो आपका क्या होना चाहिए, फुल स्लीव्स नहीं होना चाहिए. वरना जैसा मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था ना वैसे ही होगा, वहां जाके वो कट हो जाने वाला है. उसके बाद कोई भी प्रिंटेड या कॉलर्ड शर्ट या टॉप्स नहीं पहन के जाएगा. तो प्लेन टी शर्ट ही आपको पहन के जानी है ताकि वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो. कॉलर नहीं होना चाहिए स्पेशली. क्यों कॉलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलर में क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पे भी चीटिंग का कुछ जोन होता है कि भाई हाँ यहाँ पे भी कोई चीट छुपाई जा सकती है, इसमें कुछ लिखा जा सकता है कॉलर में. तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, कॉलर भी हटा दिया गया है.
तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे जाते हैं कॉलर पहन के, तो उनका कॉलर भी कट होता है, आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा। मैं बात करूं टाइट्स या जीन्स, जो भी फीमेल एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि इस तरह की कोई भी टाइट्स या जीन्स पहनकर आपको नहीं जानी है जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स हों, बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, मल्टीपल पॉकेट्स मतलब बहुत टाइम लगेगा आपकी चेकिंग में पहली बात तो, उसके बाद हो सकता है कि इतनी मल्टीपल पॉकेट्स होने की वजह से आपको खुद भी ध्यान ना रहे कि आपने क्या रख लिया है। मान लीजिए कभी हम पढ़ रहे होते हैं, लास्ट मिनट घर से निकल रहे हैं, सोच लिया कि अरे चलो ये नोट्स रख लेते हैं, एक पेज में मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, इसको रिवाइज करना है, रख लेते हैं। फिर क्या होता है, वो आप रख लेते हो, लास्ट मिनट निकालना भूल जाते हो, जब वहाँ चेकिंग होती है वो निकलता है, देन हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद शूज बिल्कुल नहीं पहनने, वहाँ दौड़ना नहीं है, एग्जाम सेंटर पे जाना है, बैठ के एग्जाम देना है, तो 3 घंटे 20 मिनट क्यों शूज में अपने पैरों को पैक रखोगे, गर्मी इतनी हो रही है ना, तो आपको क्या करना है, शूज भी नहीं पहनने। स्पेशली गर्ल्स के लिए हाई हील्स बिल्कुल ना पहन के जाएं, वहाँ कोई मॉडलिंग शो कुछ नहीं होने वाला है, आपके कोई भी फोकस नहीं करेगा कि आपने क्या पहना हुआ है, तो आपको वहाँ क्या करना है ना, ये हील्स वगैरह कुछ नहीं पहन के जानी है। उसके बाद ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, किसी भी टाइप की ज्वेलरी आप नहीं पहन के जाएंगे, चाहे वो पतली सी, बहुत पतली सी चेन क्यों ना हो। उसके बाद हेयर एक्सेसरीज की बात करूँ तो ये भी अलाउड नहीं है। आपने भी पीछे फोटोग्राफ्स में देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर लड़कियों के ना बालों को ऐसे उठा करके चेकिंग हो रही थी, लाइक ऐसे बालों को उठाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहीं भी कुछ चिट्स या कुछ भी और डिवाइसेस तो नहीं फिट किए गए हैं, तो इस टाइप की चेकिंग होती है। तो अब गर्ल्स के बहुत लंबे बाल होते, तो लंबे बालों से चीटिंग का और स्कोप बढ़ जाता है, ऐसा उनका मानना है, तो इस स्कोप को कम रखना है, बालों को नहीं कटवाना है, बालों को आप प्रॉपर जो है आपके पास आप रखिए, बट करना क्या है ना कि आपको उसको टाई अप करना है सिंपल से रबड़ बैंड से, किसी भी टाइप की क्लिप्स, कोई भी और हेयर एक्सेसरीज आप नहीं लगाएंगे, कोई क्लचर नहीं लगाएगा, कोई मेटालिक स्पेशली कोई भी आइटम नहीं रखेगा। ये बहुत ध्यान रखना है कि मेटालिक, ठीक है, मेटालिक किसी भी तरह की चीजें अंदर नहीं जाएंगी, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इसलिए मेटालिक कुछ भी हेयर एक्सेसरीज, कोई ज्वेलरी कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और किसी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना है और क्या आपको अवॉइड करना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, जिसमें मैंने आपको बहुत लंबी लिस्ट बताई थी, तो प्लीज चेक दैट वीडियो आउट, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको नहीं लेके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या, कैसे आपको अपना ड्रेसिंग सेंस रखना है, कैसे आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सबसे पहले ध्यान रखना है, आप हाफ स्लीव्स क्लोथ पहन सकते हैं, कोई भी, आप टॉप पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, हाफ शर्ट पहन रहे हैं, वो सब अलाउड है, आप इस तरह की हाफ स्लीव्स की पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपके लिए पैजामाज अलाउड है, आप लोअर पहनते हैं ना घर में, जैसे लूज से लोअर, तो वैसे आप पहन के जा सकते हैं, या फिर आप लूज ट्राउजर्स को प्रेफर कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स ना हो, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर कोई बच्चा फ्लिप फ्लॉप्स या ऐसे नहीं पहनना चाहता, आप स्लीपर्स नहीं पहनना चाहते, तो आप सैंडल्स भी प्रेफर कर सकते हैं, लो हील्स की, स्लीपर्स और फ्लैट्स तो है ही है, सबसे अच्छी रहती है, बिकॉज गर्मियों का टाइम है, आप स्लीपर्स और फ्लैट्स ही प्रेफर करें, पैरों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी देर बैठने में। ब्रेसेस के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं, ब्रेसेस आपको पता होगा कि टीथ के अलाइनमेंट के लिए लगाए जाते हैं, तो अगर वो लगे हुए हैं और आप कह दोगे मैम ये तो मेटालिक होगा, ये तो एंट्री में निकलवा देंगे वहीं पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ब्रेसेस आर अलाउड, सो ब्रेसेस अगर आपके लगे तो आप आराम से एग्जाम देने जा सकते हो। उसके बाद स्पेक्स भी अलाउड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेक्स के बिना नजर नहीं आता, तो आप क्या करोगे ना, स्पेक्स पहन के अपने जा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं वहां बोल दूंगा कि इसमें तो पावर नहीं है, मैं तो लगाऊंगा, स्पेक्स अलाउड है, ऐसा भी नहीं होता है, जो पावर वाले स्पेक्स है केवल वही अलाउड है, कोई वहां पे आई ग्लासेस सनग्लासेस लगा के नहीं बैठेगा। उसके बाद हेयरिंग एड्स, अगर किसी को हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपने हेयरिंग एड्स साथ में लेके जा सकता है, वो प्रॉपर चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये मेरी लिस्ट रहेगी सभी कॉमन बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये स्पेशली मेरे फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है सिर्फ। देख रहे हैं आप इस गर्ल को, आप देख सकते हैं थोड़ा सा परेशान लग रही है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्योंकि शायद चेकिंग हुई है और इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। पिछली बार हम लोगों ने नीट एग्जाम के दौरान काफ़ी कुछ सुना था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग रही, कई सेंटर्स पर ऐसा हुआ कि इनरवेयर भी रिमूव करने को स्पेशली बोला गया है फीमेल्स को, तो कई ऐसे केसेस सामने आए जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया था और
बोला गया था कि हाँ ये चीज़ें गलत हुई हैं, बट क्या होता है ना एस्पिरेंट्स, रूल्स हैं कि मेटालिक चीज़ें अंदर नहीं जानी है, और स्पेशली गर्ल्स में क्या होता है ना कि उनकी इनर वेयर्स में मेटालिक हुक्स होते हैं, तो मेटालिक हुक्स या मेटालिक स्ट्रैप्स, उसमें कुछ बकल्स होते हैं, तो वो मेटालिक होते हैं समटाइम्स, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बता रही हूँ कि आप एक काम करें, आप सिर्फ स्पोर्ट्स ब्राज पहन के जाइए, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्राज में क्या होते हैं ना कि उसमें कोई मेटालिक का चक्कर ही नहीं है, कोई भी मेटल पार्ट नहीं होता, तो वो नॉर्मल होती है, और वो मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेंगी आपको वाइल ट्रैवलिंग, वाइल यू आर गोइंग टू एग्जामिनेशन सेंटर्स, ड्यूरिंग द चेकिंग, इवन इन द ड्यूरिंग द एग्जाम, तो वो आपको होल डे का जो प्रोसीजर है ना लंबा, आना जाना और वहाँ बैठना, एग्जाम देना 3 घंटे 20 मिनट, उसमें बहुत कंफर्टेबल रखेंगे। तो ऐसा कुछ आप पहन के ही ना जाएं जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करे आपके एग्जाम में। और फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि नहीं ये मेरी नोज पिन नहीं निकल रही है, ये नोज रिंग बहुत पुरानी हो गई है, आई विल नॉट रिमूव, आई एम नॉट एबल टू रिमूव, वो टेप लगा देंगे या कुछ कर देंगे, तो समटाइम्स आपको वो उतारनी पड़ती है, वहाँ पर जाकर एग्जाम सेंटर पर आपको वो ज्वेलरी अपनी उतारनी पड़ेगी, और वो आपका रिस्क रहेगा कि क्या वो ज्वेलरी आपको वैसी एक स्टेट में वहाँ वापस मिलेगी या इतनी भीड़ में वो खो जाएगी, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना है, हमें नहीं पहन के जानी है, सिंपल सी बात है। सो ये हो गई ड्रेस कोड की सारी बातें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि नीट 2024 का जो लाइव पेपर डिस्कशन है ना, वो होने वाला है हमारे MNS क्लासेस बाय सेंचुरियन के इस चैनल पर। तो जब आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे MNS क्लासेस बाय सेंचुरियन, तो वहां आपको मिलेंगे हमारे सर अपने ऑल इंडिया रैंक 1-4 के पोस्टर के साथ, और वहां पर जाकर आपको कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि इसके लाइव सेक्शन में होने वाला है लाइव पेपर डिस्कशन ऑफ द नीट 2024। और कब होगा, किस टाइम होगा, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसकी डेट रहने वाली है, ये जो लाइव पेपर डिस्कशन है आपके एग्जाम वाले दिन ही होने वाला है, दैट इज 5 मई 2024, ठीक है, 5 मई 2024 के दिन, यानी कि जो संडे का आपका दिन है, जिस दिन आप एग्जाम देंगे उसी दिन लाइव पेपर डिस्कशन होगा MNS क्लासेस बाय सेंचुरियन के इस चैनल पर। और टाइमिंग्स जो रहने वाली हैं इस पेपर डिस्कशन की, वो रहने वाली हैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहिएगा तैयार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस लाइव पेपर डिस्कशन के लिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे एक्यूरेट और सबसे जल्दी आंसर कीज और सही आंसर कीज मिलेंगी, ताकि आप टैली कर सकें, देख सकें कितना अच्छा आपका एग्जाम गया है, कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, और जरूर उस दिन जुड़िएगा, बिकॉज यहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे हर क्वेश्चन को। तो अगर आप ऐसे ही एक लाइव पेपर डिस्कशन देखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, ताकि आप भी जान सकें क्या है आपका नीट स्कोर, और मुझे भी फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उस दिन कि किसने कितना नीट में स्कोर किया है और कौन रेडी है अपने MNS CBT एग्जामिनेशन के लिए। और आप फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आऊंगी मैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस, बेस्ट ऑफ लक एस्पिरेंट्स, अच्छे से मेहनत करिए, और लास्ट मिनट कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मेहनत आपने कर रखी है, संडे का दिन बहुत करीब है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।